हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 17% का हमें रैली देखने को मिला है। दोस्तों बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बेसिस सेंसेक्स में लगभग 250 के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला है, जो कि निफ्टी 50 में 80 पॉइंट का हमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इस स्टॉक में दोस्तों लगभग 17% का हमें जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में हमें 100% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है और आगे भी हमें इसी तरीके से रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड की रिगार्डिंग। आप लोग देख सकते हो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें 17% का हमें रैली देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। और वहीं बात करें पिछले 1 मंथ की, तो पिछले 1 मंथ में इसमें 34% से एबव का हमें जंप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों वहीं बात करें पिछले 6 मंथ की, तो पिछले 6 मंथ में यहाँ पर देख सकते हो कि 100% हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। वहीं बात करें पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में यहाँ पे हमें 105% का आसपास का हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों वहीं बात करें पिछले 5 ईयर की, तो पिछले 5 साल में 88% का हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी काफ़ी शानदार है। वहीं बात करें सबसे अधिक दिनों की चार्ट पैटर्न की, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 7100% का हमें यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से इसका प्राइस हमें रफली 700 की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें काफी शानदार तरीके से रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें 17% का हमें जंप देखने को मिला है, हो सकता है हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें 20% का अपर सर्किट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली हमें 700 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे या देन इसका एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एनएसई की साइड पे, तो आप लोग देख सकते हो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में कोई खास हमें इसमें डिलीवरी नहीं देखने को मिल रहा है। ओनली 14% के आसपास का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो कि उतना अच्छा है नहीं। कम से कम 20% का अगर यहाँ पे हमें डिलीवरी देखने को मिलता तो हम कह सकते थे कि ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन बात करें यहाँ पे 52 लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 226 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, और वहाँ से स्टॉक आज के दिन लगभग 500 के आसपास का हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। दोस्तों वहीं बात करके फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसका क्वार्टर का रिजल्ट का, तो आप लोग देख सकते हो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने जिस तरीके से नेट प्रॉफिट पोस्ट यहाँ पे दिखाया था, उसके हिसाब से इसमें जबरदस्त तरीके से हमें रैली देखने को मिला और आगे भी हमें इसमें रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो ऑलमोस्ट हमें 46% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई यहाँ पे प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो थे इसके ऊपर फोकस ना कर रख सकते हो, फ्यूचर में डेफिनेटली इसका प्राइस हमें 700 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों वहीं बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी शानदार है। आप लोग यहाँ पे यकीनन देख सकते हो एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 9 से 1 करोड़ का हमें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार देना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हो लॉन्ग टर्म ग्रोइंग भी 131 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी रिड्यूस होते हुए हमें फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो 191 करोड़ का हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बात करें यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट भी काफ़ी शानदार है कंपनी के ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हो कि एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें यहाँ पे फिक्स एसेट देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार देना चाहूँगा, स्टॉक यहाँ से काफ़ी आगे जाने के लिए रेडी है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, जैसे कि हमें आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। दोस्तों बात करें इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 68 करोड़ का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने देखा काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा डेप्थ है कंपनी के ऊपर, जो कि कोई खास है नहीं, वो आगे चल के हमें काफ़ी रिड्यूस होते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों वहीं बात करेंगे कि इस स्टॉक का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो 6400+ में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करेंगे इसका यहाँ पे इसका सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे हमें 78.23 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी निचले स्तर पे है। देख सकते हो कि समझो तो इसका वैल्यू, इस स्टॉक का प्राइस होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 800 रुपया, लेकिन इसका प्राइस हमें काफ़ी निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में अभी भी अपॉर्चुनिटी है और फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 700+ में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग यकीनन इसके ऊपर
आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में डेफिनेटली हमें रैली देखने को मिल सकता है दोस्तों। वहीं बात करेंगे इसका रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट एंड सेल्स का, तो यहाँ पर रेवेन्यू का फिगर भी काफी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट का फिगर भी एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें आगे की तरफ देखने को मिल रहा है, इसका 4% आप लोग देख सकते हो। वहीं बात करेंगे यहाँ पे सेल्स का, तो सेल्स का फिगर भी यहाँ पे 331 करोड़ का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि एवरी क्वार्टर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो 49 करोड़ का हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफी शानदार है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे एफआई की होल्डिंग का, डीआई का, उससे पहले बात करें यहाँ पे प्रमोटर का, 46% का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी काफी शानदार है। वहीं बात करेंगे एफआई की होल्डिंग की, तो एफआई की होल्डिंग 10.5% के रफली हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। वहीं बात करें डीआई की होल्डिंग की, तो 16.5% का होल्डिंग काफी शानदार है। वहीं बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, तो यहाँ पे 27% के अप्रोक्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, इसका इसका प्राइस हमें फ्यूचर में काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों। बात करें कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है दोस्तों। बात करें इस प्राइस से, तो मुझे 410 रुपये का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें इतना नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 700+ में जाते हुए देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।